नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सितंबर्स के जो हम करंट अफेयर की जो सीरीज शुरू करी हमने उसका पार्ट टू। 200 प्लस एमसीक्यू हम कर रहे हैं। 118 हमने एमसीक्यू पिछली क्लास में करे थे जिसमें से दो क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए थे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं कि जो रिपीट हुए थे क्वेश्चन। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट इसका लेके आया हूँ। 100 से ज़्यादा यहाँ पर आज भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम सैटरडे और संडे को अगस्त का महीना कवर करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का हम ये सेशन जिसमें हम 100 से ज़्यादा आज भी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। चलिए पहला सवाल है, नेम द स्टेट विच विल इस्टेब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमन ट्रेड सेंटर IWTC ऑफ इंडिया इन कॉन्सेंस विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उस राज्य का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC स्थापित किया है। तो आपका आंसर बनता है केरला। अगला सवाल है, विच डे इज बिंग ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर बनता है 30 अगस्त। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू लॉन्च द इंडियन कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ठीक है। राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDC एशिया के लिए परिवहन पहल का भारत घटक किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर बनता है नीति आयोग। नेम द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स टू रीच टू द पेंशनर्स एंड टू ब्रिंग देम ऑन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वन स्टॉप सॉल्यूशन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है? तो आंसर बनता है पेंशनर्स कॉर्नर। विच फेमस पर्सनालिटी डिलीवर द दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज बाय द ग्लोबल थिंक टैंक TERI? ग्लोबल थिंक टैंक TERI द्वारा आयोजित दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने दिया? तो आपका आंसर बनता है एंटोनियो गुटेरेस, UN के चेयरमैन हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना अंडर विच 19 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म माफ कीजिएगा इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर हाउसेस। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा? तो उत्तर बनता है आपका उत्तर प्रदेश। विच कंट्री इज टू सेट अप ऑनरी स्टेच्यू ऑफ इंडियन डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस, ठीक है। कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस की मानक मूर्ति स्थापित करेगा? तो आपका आंसर बनता है चाइना। नेम द एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रूरल फार्मर्स इन इंडिया एंड द UAE फूड इंडस्ट्री। भारत में ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हाल ही में दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर द्वारा शुरू किए गए एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए? तो आपका आंसर बनता है एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस। नेम द मर्सिडीज ड्राइवर हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020।
ठीक है, उस मर्सिडीज ड्राइवर का नाम बताइए जिसने फॉर्मूला वन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो आपका आंसर बनता है लुइस हैमिल्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉज्ड द पब्लिकेशन ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है रिपोर्ट आफ्टर इररेगुलेटरीज हैव बीन रिपोर्टेड रिगार्डिंग चेंज टू द डेटा यूज इन द रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उपयोग किए गए डेटा में परिवर्तन के संबंध में अनियमितताओं के बाद रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक, यानी नन ऑफ दिस। वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेम द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू द कोविड 19 पेशेंट। कोविड 19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? तो आपका आंसर बनता है मेट बोर्ड। क्या नाम है? मेट बोर्ड। एक्विजिशन विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ डैश विथ मिस भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये MS नहीं है, गलत है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL एंड लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग्स ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो के साथ 2,580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड डैश हैव बिकम द जॉइंट विनर्स ऑफ द फाइड ऑनलाइन चैंपियंस ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। भारत और इनमें से कौन सा देश फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के संयुक्त विजेता घोषित कर दिए गए हैं? तो आपका आंसर बनता है रूस या रशिया। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी विच इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर विच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है जो कि सिविल सर्वेंट्स श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। नेम द पर्सन हुज अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंजाब एंड सिंध बैंक हैज बीन अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नियुक्ति पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित की गई है? तो एस कृष्णा जो हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के क्या बने, CMD चेयरमैन एंड माफ कीजिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन टू अलाइन देम विद इन्वॉल्विंग नेशनल प्रायोरिटीज। उस संगठन का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय प्राथमिकता के विकास के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो आपका आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज टेकन द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपका आंसर बनता है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका आंसर बनता है अविक सरकार। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो आंसर आपका बनता है उषा पांडे। अगला सवाल है आपका, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज लॉन्च अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन अंडर द नेम होम उत्सव। ठीक है, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने होम उत्सव नाम के से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू करी है? तो आपका आंसर बनेगा ICICI बैंक।
अगला सवाल है, द फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा रशिया। ठीक है, पांचवें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो रूस में। ठीक है, नेम द फ्री मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड बाय द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विकसित केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए गए मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आपका आंसर बनता है इंग्लिश प्रो। नेम द को क्रिएटर ऑफ द कार्टून सीरीज स्कूबी डू हु पास्ड अवे रिसेंटली। स्कूबी डू वेयर आर यू वॉज लॉन्च्ड इन 1969 एंड रन ऑन CBC अंटिल 1976। कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। स्कूबी डू वेयर आर यू 1969 में शुरू किया गया था और 1976 तक CBS पर प्रसारित हुआ था। तो आपका आंसर बनता है फ्रैंक वेलकर। आपका अगला सवाल है, नेम द फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट हु पास्ड अवे रिसेंटली। ही सर्व एज द इंडियन प्रेसिडेंट फ्रॉम 2012 टू 2017 एंड वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 2019। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 2012 से 2017 तक भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर बनता है नॉन ऑफ दिस। तो वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी, जिन्हें दादा के नाम से भी जानते थे। विच कंपनी हैज पार्टनर विद साइबर पीस फाउंडेशन टू ड्राइव साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। साइबर सुरक्षा जागरूकता चलाने के लिए किस कंपनी ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? तो आपका आंसर बनता है व्हाट्सएप। अगला सवाल है आपका, नेम द पर्सन हुज अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ द साउथ इंडियन बैंक हैज बीन अप्रूव्ड बाय RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नियुक्ति साउथ इंडियन बैंक के CMD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई है। तो आपका आंसर बनता है मुरली रामकृष्णन। विच डे इज बींग सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ग्लोबली एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनता है 5 सितंबर। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के नाम से मनाया जाता है। जापानीज गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कमिटेड ग्रांट असिस्टेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ डैश फॉर ऑफरिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू ब्लॉस्टर द पब्लिक हेल्थ एंड मेंटल सिस्टम इन इंडिया। जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए JPY ठीक है जापानीज येन 1.0 बिलियन की पेशकश की राशि के लिए अनुदान की सहायता की है। कितना? जापानीज येन 1.1 बिलियन, माफ कीजिए, वन बिलियन येन। नेम द पर्सन हु विल हेड 3-member कमेटी विच हैज बीन सेट अप टू रिव्यू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस AFHQCS कार्ड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 3-सदस्य समिति का प्रमुख होगा जिसे सशक्त बल मुख्यालय सिविल सेवा AFHQCS संवर्ग के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर बनता है लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर। अगला आंसर है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश इन द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल-जून ऑफ 2020-21। सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020-21 की पहली तिमाही में 23.9% के संकुचन का अनुभव किया है। कितनी कम हुई हमारी GDP? -23.9%।
रही है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 13th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण में भारत का रैंक क्या था? तो 48। नेम द सेंट्रल PSU हुज टीम हैज वॉन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। उस सेंट्रल PSU का नाम बताइए जिसकी टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 जीता है। तो आपका आंसर बनता है NTPC लिमिटेड। नेम द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन पंजाब। पंजाब में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो आंसर बनता है आई रखवाली। क्या है? आई रखवाली। नेम द तमिलनाडु कांग्रेस लीडर एंड द कन्याकुमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, तमिलनाडु कांग्रेस नेता और कन्याकुमारी सांसद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर बनता है हरिकृष्णन वसंत कुमार, जिनका निधन हो गया। अगला सवाल है आपका, नेम द नोटेड इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड वॉज पॉपुलरली नोन एज द गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। उस प्रसिद्ध भारतीय कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में लोकप्रिय थी। तो आपका आंसर बनता है डॉक्टर पद्मावती। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर था? तो आपका आंसर बनता है स्विट्जरलैंड। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित 48वां वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। और आंसर बनता है पी इनियान। क्वेश्चन यही आएगा, पी इनियान का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है ये है शतरंज से, यानी टेनिस, चेस से। अ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ द ग्रीन न्यूजेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय। एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूजेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर याद रखना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा। नेम द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रॉम विच इंडिया हैज विथड्रॉ इट्स पार्टिसिपेशन। द एक्सरसाइज वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन रशिया फ्रॉम 15 to 26 September 2020। उस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसमें भारत ने अपनी भागीदारी वापस ले ली है। यह अभ्यास 15 से 26 सितंबर तक रूस में आयोजित होना था। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है ए क्वाकच 2020। नेम द बॉलीवुड फिल्म मेकर हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। बॉलीवुड फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की पुस्तक लिखी है। तो आंसर बनता है करण जौहर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ द क्रोएशिया। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिससे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर बनता है राजकुमार श्रीवास्तव। क्या है? राजकुमार श्रीवास्तव। नेम द क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर एम्बेसडर ऑफ SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। ठीक है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट एम्बेसडर बना। तो वह है ड्वेन ब्रावो। कौन है? ड्वेन ब्रावो। इंडिया विल रिसीव एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट ODA लोन फॉर एन अमाउंट 3,500 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री।
निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, माफ कीजिएगा, भारत को किस देश की सरकार से 3,500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्राप्त होगा? तो आपका आंसर बनता है जापान। Who among the following has assumed charge as the chairman and managing director of the defense ship, है ना, ship builder Hindustan Shipyard Limited at Visakhapatnam, आंध्र प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो आपका आंसर है हेमंत खत्री। कौन है? हेमंत खत्री। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर डैश सिंस 1982, ठीक है, 1982 से प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश हैज कमेंस्ड द 11th एडिशन ऑफ द बाइनियल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंदिरा नेवी। भारत के नौ सैनिकों और रूस ने द्विवर्षीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है। कौन से 11वें संस्करण की? इंदिरा नेवी। अगला सवाल बनता है, नेम द बॉलीवुड एक्टर हु हैज अपॉइंटेड बाय द प्राइवेट लाइफ इंश्योरर बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपका आंसर बनता है आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना। अगला आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट। निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने गूगल सहायक पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वॉइस चैटबॉट लीगो की पेशकश की है? तो आपका आंसर बनता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलिए अगला सवाल है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस फॉर पावर एंड रिन्यूअल एनर्जी डैश लॉन्च द पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन न्यू दिल्ली वर्चुअली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत तथा नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह ने बिजली के लिए वस्तुतः नई दिल्ली में पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। क्या शुभारंभ किया है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। अगला आपका सवाल बनता है, नेम द बुक ऑथर्ड बाय पोप फ्रांसिस एंड विल बी रिलीज इन दिसंबर 2020। पोप फ्रांसिस द्वारा लिखित और दिसंबर 2020 में जारी की गई पुस्तक का नाम बताइए, लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। विच डे इज बींग सेलिब्रेटेड बाय द इंडिया एज अ टीचर डे एवरी ईयर टू ऑनर द टीचर फॉर देयर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थियों के जीवन को बनाने उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए भारत द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनता है 5 सितंबर। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबनान। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो आपका आंसर बनता है मुस्तफा अदीब। नेम द वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन रिसेंटली लॉन्च बाय ICICI बैंक। द एग्जीबिशन विल डिजिटली शोकेस रियल इस्टेट प्रोजेक्टेड बाय रियोन डेवलपर्स अक्रॉस इंडिया। ICICI बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई आभासी संपत्ति प्रदर्शनी का नाम बताइए। प्रदर्शनी पूरे भारत में प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल इस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगी। तो आंसर बनता है होम उत्सव। ये रिपीट क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से रिपीट किया गया था उस क्वेश्चन को, दूसरे तरीके से फ्रेम किया गया था होम उत्सव वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला सवाल है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू यूथ ऑफ स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू करी है? तो असम आपका आंसर बनता है। नेम द इंस्टीट्यूशन हुज स्टूडेंट हैज लॉन्च
फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर। उस संस्थान का नाम बताइए जिसके विद्यार्थियों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर लॉन्च किया है। तो आंसर बनता है आईआईटी बॉम्बे। कौन? आईआईटी बॉम्बे। अगला सवाल है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल आउट आई रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट इन स्टेट। तो आंसर बनता है आपका पंजाब। कौन सा बनता है? पंजाब। ये भी दूसरी तरीके से मैंने फ्रेम करा है इस क्वेश्चन को। यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम। केंद्रीय उर्वरक विभाग 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑन गूगल असिस्टेंट। तो नाम है उसका लीगो। द यूनियन टेरेटरी ऑफ डैश एंड लक्षद्वीप हैव बीन इंक्लूड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंध IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। नेम द विनर ऑफ द 2020 इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल। इटालियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच। हु अमंग दिस हैज बीन अवार्डेड विद द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। इनमें से किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में तीन लोगों को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला सवाल है आपका, द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स विल कनेक्ट विच पोर्ट्स ऑफ इंडिया विथ द पोर्ट ऑफ मालदीव्स। भारत और मालदीव के बीच पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा भारत के किस बंदरगाह को मालदीव के बंदरगाह से जोड़ेगी? तो आपको याद रखना है तूती कोरिन पोर्ट एंड कोची पोर्ट। कौन सा? तूती कोरिन पोर्ट। अगला सवाल है आपका, व्हेन इज द इंटरनेशनल रेड पांडा डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लाल पांडा दिवस। तो आपको याद रखना है थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। और इस साल कब मनाया गया है? ये 19 सितंबर को। चलिए अगला, पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेट द घर तक फाइबर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट टू कनेक्ट ऑल द विलेजेस ऑफ द स्टेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है? तो आपका आंसर बनता है बिहार। याद रखना है आपको घर तक फाइबर, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एंगरीता शेरपा द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 times हैज पास्ड अवे ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एंगरीता शेरपा का निधन हो गया, वो किस देश के थे? आपको याद रखना है नेपाल से थे। कहाँ से? नेपाल से। हु इज द विनर ऑफ द 2020 वुमेन्स इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, 2020 महिला इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा था? तो याद रखना आपको सिमोना हेलेप। कौन रहा था? सिमोना हेलेप। और पुरुषों में कौन रहा था? नोवाक जोकोविच। अगला सवाल है, बिबू रंजन चौधरी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज एन एमिनेंट आर्टिस्ट हेलिंग फ्रॉम द विच स्टेट। बिबू रंजन चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य के प्रतिष्ठित कलाकार थे? तो आपको याद रखना है असम। वोल्वो कार इंडिया हैज पार्टनर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस। वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार वित्तीय सेवा शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है HDFC बैंक।
Which of the following mutual fund has launched the SIP in fixed income campaign to make investor more aware about the benefit of investing in fixed income product? निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड ने नियत आय उत्पादों में निवेश के लाभों के बारे में निवेशकों को अधिक जागरूक बनाने के लिए SIP इन फिक्स इनकम अभियान शुरू करा है? बस आपको याद रखना है SIP इन फिक्स इनकम प्रोग्राम IDFC म्यूचुअल फंड। कौन सा? IDFC म्यूचुअल फंड। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज? ठीक है, डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, किसे 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है मार्गरेट एटवुड। कौन? मार्गरेट एटवुड। नेम द इंडियन हु हैज बीन सिलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशन 2020 लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए 17 युवा नेताओं की संयुक्त राष्ट्र 2020 की सूची में चुना गया है। तो आपका आंसर बनता है उदित सिंघल। कौन? उदित सिंघल। उदित सिंघल याद रखना है आपको नाम। ठीक है, बाबू सिवान हु हैज रियॉन डायरेक्टर फ्रॉम विच फिल्म इंडस्ट्रीज? बाबू सिवान किस फिल्म उद्योग से एक प्रसिद्ध निदेशक थे? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। माफ कीजिएगा, तमिल याद रखना है। ठीक है, द डेटन लिटरेसी प्राइज इज प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री? ठीक है ना, डेटन लिटरेसी प्राइज किस देश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको याद रखना US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सवाल है आपका, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना है गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द न्यू वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस? निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस लॉन्च करा है? तो आपको याद रखना है बंधन बैंक। हरसिमरत कौर बादल है रिजाइन एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री? हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब किसे मंत्रालय का अधिक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है मुरैना, मध्य प्रदेश। चलिए आगे, हु रिप्रेजेंट इंडिया एट 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी? राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है या फिर किसने किया? तो आपको याद रखना है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी। ठीक है, NSA बोलते हैं इन्हें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और डिप्टी है दत्तापट सलगीकर। द 10th मीटिंग ऑफ द NSA वॉज होस्टेड बाय द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स। NSA की यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रशिया है, द्वारा आयोजित की गई। अगला सवाल बनता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्च आईलेट 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0? द सिस्टम हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड इट्स सर्विस टू कस्टमर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे रिसाइड। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आईलेट 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है? यह प्रणाली ग्राहकों को प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है, भले ही वह कहीं पर भी रहते हों। तो आंसर बनता है आपका कैनरा बैंक। लेट अमिताभ घोष वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? स्वर्गीय अमिताभ घोष इनमें से किस पूर्व संस्था के प्रमुख थे? तो आपको याद रखना है RBI। द वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता? तो आपको याद रखना है 18 सितंबर।
विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडियन इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ठीक है, किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप करा है? तो आपको याद रखना है मिजोरम ने। हु अमंग दिस हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड? इनमें से किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है विकास खन्ना। विच सिटी ऑफ इंडिया इज द टॉप रैंक्ड इन सिटी इन द 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ IMD? IMD के 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? आपको याद रखना है हैदराबाद। इंटरनेशनली नॉन वेटर्न आयुर्वेद फिजिकल PR कृष्णा कुमार हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 वॉज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक PR कृष्णा कुमार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारत के किस राज्य से थे? याद रखना है तमिलनाडु। विच स्टेट हैज लॉन्च आर्थिक संपदा प्रोग्राम टू डिसबर्स लोन इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू वेरियस कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशंस? ठीक है, किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम शुरू करा है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका। अगला सवाल, विच इज़ द फर्स्ट एवर कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ सॉवरेन बॉन्ड लिंक्ड टू द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित एक राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है मैक्सिको। When is the World Water Monitoring Day is observed? विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर याद रखना है। Which city has topped IMD Smart City Index 2020? IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल करा? तो याद रखना है सिंगापुर। टाइटन कंपनी हैज पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस टाइटन पे? टाइटन कंपनी ने भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? तो आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एज पर OECD, वॉट इज द GDP ग्रोथ प्रडिक्शन फॉर इंडिया इकोनॉमी फॉर द फिस्कल ईयर 2020-21? OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए GDP विकास दर की भविष्यवाणी कितने प्रतिशत की गई है? तो याद रखना है -10.2%। द सैलरी अलाउंस एंड द पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020 पास इन द लोकसभा एम्स टू कट सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय व्हाट परसेंट? लोकसभा में पारित संसद संशोधन विधेयक 2020 के वेतन भत्ते और पेंशन का लक्ष्य सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करना है? तो याद रखना है 30%। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता? तो याद रखना आपको 17 सितंबर को। Fuminako International Airport is the first airport in the world to get COVID-19 5-star airport rating from Skytrax, the airport based on which country? तो आपको याद रखना है Rome, Italy. अगला सवाल, What is the projected growth rate for the Indian economy in the fiscal year 2020-21 according to UBS Security? UBS Security के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? तो याद रखना आपको -8.6%। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर कपिला वात्स्यायन हु हैज डाइड रिसेंटली? डॉक्टर कपिला वात्स्यायन किस पेशे से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको याद रखना है स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विद्वान। इंडिया रिसेंटली हेल्ड 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI ग्रुप मीटिंग विथ विच कंट्री ऑन वर्चुअल मोड? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आभासी रूप से 10वीं डिफेंस
टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTI समूह की बैठक आयोजित की है, तो याद रखना है आपको यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2020, विश्व रोगी दिवस 2020 का विषय क्या था, तो आपको याद रखना है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली हु वॉज इन पावर फ्रॉम 1968 टू 1991 - पास्ट अवे। माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मोसा तूरे, जो 1968 से 1991 तक सत्ता में थे, उनका निधन हो गया, मोसा तूरे। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फॉर ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। Who has been appointed by the ADB as its new country director for India? ADB ने भारत के नए देश के निदेशक के रूप में किसे चुना है, तो याद रखना है टेको कोनिशी। Who has been roped in by Amazon to lead Land Voice for its Alexa voice assistant? अपने Alexa voice assistant में आवाज़ देने के लिए Amazon ने किसे चुना है, तो याद रखना है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन अब Alexa में आवाज़ देंगे अपनी। यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव टू सेट अप एम्स अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY इन विच सिटी ऑफ बिहार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस राज्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो याद रखना दरभंगा में नए एम्स खुलेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2020-21 एज पर ADB? ADB के अनुसार नए वित्त वर्ष 2020-21 में के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है, तो याद रखना है -9%। स्वामी अग्निवेश हु हैज पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच स्टेट। स्वामी अग्निवेश जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व सांसद थे, तो याद रखना है हरियाणा। कहाँ से थे? हरियाणा से। नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय Paytm एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म Paytm फर्स्ट गेम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे Paytm ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म Paytm फर्स्ट गेम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो याद रखना है सचिन तेंदुलकर भारत के पूर्व खिलाड़ी, कप्तान भी रह चुके हैं। My Family My Responsibility कैंपेन has been launched by which state to curb coronavirus spread? कोरोनावायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करा गया है, तो याद रखना है महाराष्ट्र सरकार। सदाशिव पाटिल who has passed away or re-owned player from of which sports? सदाशिव पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो याद रखना आपको क्रिकेट के। थॉमस कप एंड द उबेर कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित होती है, याद रखना है आपको बैडमिंटन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना है गौरी खान। कौन है? गौरी खान। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एट वर्ल्ड बैंक? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है राजेश खुल्लर को। किसे? राजेश खुल्लर को। व्हाट इज द एस्टिमेट GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2020-21 एज पर द S&P ग्लोबल रेटिंग्स? भारत में S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 2020-21 में GDP की अनुमानित विकास दर कितनी है होगी, तो -9% - 9%। When is the engineer day observed in India?
भारत में इंजीनियर दिवस अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना है 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो योशोहिडे सुगा, योशोहिडे सुगा को। चनेश राम राठिया हु हैज पास्ड अवे ड्यू टू कोविड 19 वाज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ठीक है, कोविड 19 के कारण या कोरोना वायरस के कारण चनेश राम राठिया का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो याद रखना है छत्तीसगढ़। किस राज्य के थे? छत्तीसगढ़। अगला सवाल आपका, समीर कुमार खरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट विच ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको ADB। नेम द विनर ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस। यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस द्वारा 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता का किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है आदित्य पुरी को। कौन? आदित्य पुरी। अगला सवाल है आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। कब? 15 सितंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमन, अ बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO/SOC के एक निकाय संयुक्त राष्ट्र के महिला आयोग की स्थिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आपको याद रखना है भारत। भारत अभी हाल ही में ECO/SOC का सदस्य बना है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, रिपीट हुए हैं तो अप्रोक्सीमेट 110 सवाल हैं ये हमारे, ठीक है। अगर आपको से मैं कल लेकर आऊँगा आपके लिए पहला पार्ट अगस्त का, शनिवार को पहला पार्ट आएगा अगस्त का, ठीक है। अगस्त का पहला पार्ट आएगा शनिवार को, ठीक है। तो अगर आपको इस सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।